नमस्कार, ऑल राइट चैनल पर आपका स्वागत है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बरेली जिला उद्योग व्यापार बंधु की बैठक हुई संपन्न। जिलाधिकारी ने व्यापारी को सुनी समस्याएं और निस्तारण के दिए निर्देश। बरेली 20 सितंबर जिलाधिकारी श्री शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में आज जिला व्यापार बंधु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी को व्यापारियों ने अवगत कराया कि अटल पुल बस्टिक लाइटें की व्यवस्था नहीं है। यह पुल 3 रोडों को जोड़ता है, ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिगत लाइट का होना अनिवार्य है। चौपला चौराहे से स्टेशन रोड की खराब तथा पोल नहीं हटाए गए हैं, जिसमें दुर्घटना होने की शंका रहती है। स्टेशन के निकट पुलिस चौकी के पास जलापुरा घर स्टेशन के पास है, इससे जिले से आते जनपद की छवि खराब होती है। उक्त क्रम में जिलाधिकारी संबंधित को निर्देश दिए कि व्यापारियों की शिकायत जनपद में फल व सब्जी मंडी के लिए अलग से उप मंडी परिसर नरियावल में बना हुआ है, जिसे आड़तें की हुई हैं, परंतु भारी मात्रा में बाहर सड़क पर फलों का कारोबार होता है, जिससे मंडी के आड़ती ठग महसूस करते हैं। इसे अविलंब रोका जाना चाहिए। फल व सब्जियों के समस्त कारोबार मंडी स्थल से होना चाहिए। उक्त क्रम में मंडी सचिव ने बताया कि बड़े आड़तियों को एक्सेप्ट किया जा रहा है और छोटे फल विक्रेताओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो वहाँ गोभी मंडी के अंदर ही बिक्री का कार्य करें। व्यापारी ने बताया कि विगत बैठक में इंसेंट बैठक बैंक के विरुद्ध शिकायत लीड बैंक प्रबंधक को भेजी थी, जिसमें उन्होंने KYC के नाम पर अनेकों चेक बाउंस कर दिए गए और फॉर्म की प्रतिष्ठा को नुकसान व भारी हानि हुई थी। अब तक बैंक के चेक बुक जारी नहीं हुए। विगत 15 दिनों से कारण लिख कर आता है, क्योंकि आपकी बाउंसिंग बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए चेक बुक जारी नहीं की जा सकती। यह व्यापारी और उद्यमियों की उत्पीड़न है। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी ने नगद LDM को संज्ञान के लेने के निर्देश दिए। व्यापारियों ने अवगत कराया कि मूर्ति नर्सिंग होम पर ईंट बजाए वाली रोड खराब है। संबंधित अधिकारी को अवगत कराया गया कि रोड सुधार हेतु एस्टीमेट भेजा गया है। इसी प्रकार गड़ी से BPL स्कूल वाली रोड की खराब स्थिति के बारे में जानकारी दी गई, कि जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि ये किसके अंडर में आती है, ये पता करके अवगत कराया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अगर कोई भी व्यापारी अपनी दुकान के आगे सड़क पर सामान रखता है तो उसे चेतावनी दें कि मार्ग पर से सामान हटाए। उक्त के उपरांत सामान ना हटाया जाएगा तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री संतोष बहादुर सिंह, SP ट्रैफिक श्री राम मोहन सिंह, LDM व्यापारीगण सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।